मेरे टाइम पे नॉट ही था अगर देखो इट्स अ डैगर हाथ लगा माइक इट्स अ डैगर सुपर गुलाब नहीं जी भाई गुलाब उसका गुलाब जल हो गया गुलाब खाओ या स्मेल करो कांग्रेचुलेशन कैमरे पे कैमरे पे सबके सबके 600 एपिसोड है सांता के 620 हुए अरे आ जा अरे आ जा हाँ भाई वीर नायगा आप सभी आज जो है शाम को हमारा 600 एपिसोड टेलीकास्ट हो रहा है और ये पॉसिबल आप लोगों के कारण हुआ है क्योंकि इतना आप हमें प्यार दे रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं इतनी भारी तादाद में देख रहे हैं तो आई थिंक वी मस्ट कांग्रेचुलेट यू ऑल्सो सो आई थिंक कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ अस और अभी हम अर्जुन बोलेंगे आपकी ओर से हमारी पूरी यूनिट सेलिब्रेट कर रही है आप भी हमारे लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं ओम साई राम तो सर कांग्रेचुलेशंस 600 एपिसोड कंप्लीट हो चुके जी जी सेलिब्रेशन इज ऑन या पहले तो जानना चाहेंगे अभी अभी आपका सफर चालू हुआ है कितना ग्लैड फील कर रहे हैं अमेजिंग शो के आप एक हिस्सा हैं मैं तो कहूँगा कि सफ़र शुरू होने से पहले ही ग्लैड फील कर रहा था जब ये तय हुआ है नक्की हुआ कि मैं साईं का किरदार निभा रहा हूँ और ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है ये जब फाइनल हो गया तभी से आई एम फीलिंग ग्लैड एंड आई एम रियली फीलिंग ब्लेस्ड और ऐसा है कि ये अभी मैं 3-3.5 महीने शूट कर रहा हूँ तो दिन ब दिन और एक पॉजिटिव फीलिंग आ रही है और एक बहुत ही अंदरूनी हम कहते हैं कि अंदर से एक बहुत ही अच्छा सेटिस्फैक्शन एक मिल रहा है और जो लोगों का फीडबैक भी मिल रहा है उससे मतलब आप सही राह पर जा रहे हो ये एक विश्वास एक्टर को बहुत ज़रूरी होता है एक्टर के लिए वो उनसे मिल रहा है तो फ्रॉम ऑल साइड्स आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग एंड आई अगेन थिंक दैट आई एम रियली ब्लेस्ड जी जी बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि ये जो है कि मतलब वो ऐसा एक वो तो मतलब विभूति थे तो ये जो आम तौर पे मतलब हम आप जो हैं नॉर्मल मतलब सामान्य जन हम हैं तो हम जिस प्रकार की इमोशंस या जिस प्रकार से एक आध चीज़ को रिएक्ट करेंगे या जैसे एक सिचुएशन में हम एक्ट करेंगे वैसा वो तो करते नहीं थे वो तो मतलब एक बिल्कुल सभी के लिए लाइक यू नो कंपैशन उनके दिल में था सभी को समझ के सभी को अच्छी तरीके से समझा के तो वैसा है ना
कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो उस उतनी इफ़ेक्टिवली स्क्रीन पे लाना, लोगों के सामने लाना, ये एक बड़ा ही चैलेंज था और मेरे ख्याल से चैलेंज है, चैलेंज रहेगा जब तक मैं ये रोल करता रहूँगा। तो वही है कि साईं के बारे में मतलब पढ़ने के बाद या हमारे टीम मेंबर्स से या शिरडी साई संस्थान के लोग हैं हमारे डायरेक्टर से एक सब जानकारी लेने के बाद मैं अपनी तरीके से उनको समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आई थिंक अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। पर इतना ही है कि जैसा मैंने कहा कि लोगों के रिस्पॉन्स से ये विश्वास ज़रूर है कि जो चल रहे हैं सही राह पर चल रहे हैं, सही रास्ते पर चल रहे हैं, तो साईं तो हमको राह दिखा रहे हैं तो उसी राह पर चलना है, बस आप प्रयास देते रहिएगा। नहीं, रिस्पॉन्स मतलब अमेजिंग, ऐसा इतना मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतना मतलब ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिलेगा, और ना सिर्फ मतलब मुंबई या हिंदुस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से मतलब रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, मतलब जो कुछ फ्रेंड्स लोग बाहर हैं या उनसे कोई नंबर लेके किसी का व्हाट्सएप आ जाता है या किसी का फ़ोन आ जाता है या अचानक कोई पता नहीं होता लेकिन उसका कुछ व्हाट्सएप आ जाता है, फेसबुक पे किसी का कुछ रिएक्शन मिलता है, तो आई थिंक मतलब मुझे लगता है कि लेकिन ये इसमें मेरा तो कुछ नहीं है, साईं की मतलब वो जो कमाल सब साईं का है, बिकॉज इतना ज़बरदस्त कनेक्ट है उनका लोगों के साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो बस उनका मतलब है, उनके कारण ये मतलब लोग इतना शो को देख रहे हैं, इतना पसंद कर रहे हैं। लेकिन हाँ, हमारे पूरे टीम की मतलब हमारे स्पॉट बॉय से लेकर हमारे प्रोड्यूसर्स तक द एंटायर टीम सिंसियरली एफर्ट हम ले रहे हैं, इज़ लोकेशन पे मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है नॉर्मल इसमें शूट करना, हम जनरली एसी में शूट करते हैं, हमारा एसी सेट होता है, कोई टेंशन नहीं इसमें, नेचुरल क्लाइमेट में हम शूट करते हैं, धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, उसके बावजूद हम शूट कर रहे हैं, तो आई थिंक साईज ब्लेसिंग आर सिंसियर एफर्ट्स। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।